भी अधिकारी हैं वो भी हम चुनेंगे और जो हम कहेंगे वो करेंगे। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने फिर दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों दी? मणिपुर में जारी हिंसा और लड़की को बिना कपड़ों के परेड कराने वाले वीडियो के बाद देश में काफी गुस्सा है। विपक्षी पार्टियां भी बीरेन सरकार और केंद्र पर हमलावर हैं। सदन में भी शुरुआती दो दिन इसे लेकर खूब हंगामा हुआ। इस बीच पूर्व कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। सिब्बल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत की है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट के सहारे अपनी बात रखते हुए कहा कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बीरेन सरकार को हटाया जाए और अनुच्छेद 356 लागू किया जाए एवं हमारे देश की महिलाओं से माफी मांगी जाए। उन्होंने कहा, निर्भया, उन्नाव, हाथरस, कठुआ और बिल्किस के बाद से कुछ नहीं बदला है। बेटी बचाओ प्रधानमंत्री जी, आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के तहत शासन करने में अक्षम होती है तो उक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मणिपुर में उस समय तनाव और बढ़ गया जब 4 मई को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उक्त वीडियो में दिखाई दे रहा था कि एक समुदाय की दो महिलाओं को दूसरे समूह के लोगों का एक समूह निवस्त्र कर घुमा रहा है। मणिपुर में मैती समुदाय की आबादी 53% है जो मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में निवास करती है और उसका आदिवासी समूहों से संघर्ष हो रहा है जो राज्य की आबादी का 40% है। इनमें नगा और कुकी शामिल हैं। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार। गुरु फतेह, आदाब, नमो बुद्धा।